साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा रेकी मास्टर टीचर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिन से मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मदर अर्थ को हीलिंग की जाए। मदर अर्थ हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, शायद इसीलिए महामारी के रूप में ये प्रकोप हम सबको झेलना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम मदर अर्थ को हील कर सकें। रेकी तो हम अपने लिए करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी करते हैं, आसपास के लोगों के लिए भी करते हैं, क्यों ना मदर अर्थ को भी रेकी हीलिंग दें। तो इस बारे में जब मैं सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मदर अर्थ को हम हीलिंग देंगे या मदर अर्थ खुद अपनी हीलिंग कर रही है। क्या ये वो दौर है जिसमें कि मदर अर्थ खुद मजबूर हो गई अपने आप को हील करने के लिए। समय के साथ आप समय का पहिया देखिए कैसे घूमता है। रोड आप नजर दौड़ाएं तो शाम का 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे का समय रोड पे गाड़ियां ही गाड़ियां आपको दिखती, दूर तक कुछ और नजर नहीं आता। नदियों को आप देखें तो पानी से ज्यादा उसमें कचड़ा नजर आता। लेकिन आज का क्या समय है, आप रोड पे निकलिए, काफी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घरों में पैक हैं, बंद हैं और घर में ही बैठे हुए हैं। क्या ये वही दौर है जिसमें कि मदर अर्थ खुद अपनी हीलिंग कर रही है? शायद हाँ, शायद ये वही दौर चल रहा है। लॉकडाउन जो दौर है, महामारी का जो दौर है, शायद ये वो दौर है जबकि मदर अर्थ खुद अपनी हीलिंग करने को मजबूर हो गई क्योंकि हमने मजबूर कर दिया। अगर मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश सबको देना चाहती हूँ और विनती करती हूँ सबसे कि इस तरफ सोचिए कि क्या हमने आज तक मिस्टेक की जो आज हम इस महामारी को झेल रहे हैं और घरों में बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये वो दौर चल रहा है जिसमें महामारी तो फैल रही है लेकिन नदियां साफ हो रही हैं। ये वो दौर चल रहा है जिसमें कि हम घरों में बैठे हुए हैं और पॉल्यूशन लेवल कम होता चला जा रहा है। कहीं मैंने पढ़ा कि हिमालय पंजाब से भी दिखना शुरू हो गया, इतना पॉल्यूशन हट चुका है, इतना क्लैरिटी आ गई, इतनी विजिबिलिटी आ गई है दिखने के लिए सराउंडिंग्स में। तो यानी शायद ये वो दौर ही चल रहा है जिसमें प्रकृति खुद अपने आप को ढाल रही है, सही कर रही है, क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट करने में, खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने आप से ही एनालाइज करके देखिए कितने अब तक हमने पेड़ों को काटा और कितने पेड़ों को हमने लगाया। कितने पेड़ों को काटना मतलब आपने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटा हो, ऐसा नहीं, पेपर भी तो आप नष्ट कर रहे हैं, पेपर को यूज कर रहे हैं। कितना पेपर आपने आज तक यूज किया और उसको फेंक दिया, क्या उसकी तुलना में आपने कभी पौधों को लगाया? क्या आपने कभी ऐसा देखा कि सड़क पे या नदियों में कितनी गंदगी पड़ी हुई है? या कभी आपने इसमें हिचकिचाहट की कि हम कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकेंगे या नदी में नहीं फेंकेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। समय बदलता चला गया, पहले का दौर कुछ और होता था, समय कुछ और होता था, लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। इस समय को हमने ही बदला है, किसी और ने नहीं बदला। हम टेक्नोलॉजी के पीछे अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे हैं। जब हम पुराने दौर में चलते थे तो प्रकृति और हमारे बीच में एक तालमेल बना हुआ था, एक सामंजस्य बना हुआ था, हर तरह का सामंजस्य बना हुआ था। आज हम टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ रहे हैं, सारे दिन घर में घुसे रहते हैं, घर में बैठकर टीवी देखते रहते हैं और पूरा जो अपना बचा हुआ जो समय है वो टीवी के सामने गुजार देते हैं। बच्चों को अगर आप देखो तो बच्चे आईपैड लिए रहेंगे, मोबाइल लिए बैठे रहेंगे, मतलब घरों में ही घुसे हुए रहते हैं। लेकिन एक वो दौर भी था, शायद हम लोगों के समय ही हमने वो दौर देखा है, जब हम फ्री होते थे, हम पार्क में जाकर बैठते थे, बाग बगीचों में हम लोग जाकर बैठते थे। जब हम बैठते थे तो 4 लोगों से बात भी करते थे, अपने सराउंडिंग्स को भी देखते थे, हमको हरा भरा वहां पर अच्छा लगता था, तो उसकी हरियाली के लिए कभी कभी कुछ काम भी करते थे, कभी हम पौधे लगा देते थे, कभी पौधों में पानी भी देते थे, हर चीज हम सोचना शुरू करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में हम संकुचित होते चले गए, शायद प्रकृति के साथ हमारा तालमेल बिगड़ता चला गया। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारा तालमेल प्रकृति के साथ बिगड़ता ही चला गया। पहले हम लोग पूजा पाठ किया करते थे, घर में कोई फंक्शन होता था तो हम कथाएं कराया करते थे, पूजा पाठ घर में होते थे, हवन घर में हुआ करते थे। हवन क्या होते हैं? घर का शुद्धिकरण, वातावरण का शुद्धिकरण। लेकिन समय के साथ इन सारी चीजों को धीरे धीरे खोते हुए हमने खुद ही देखा है।
आज वो समय आ गया, कोई फंक्शन होता है सीधे डीजे लग जाता है, लोग उसकी धुन में थिरकते हैं, नाचते हैं, लेकिन ढोलक की ताल धीरे धीरे खत्म हो गई। ढोलक क्या थी? एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने का माध्यम था। जब भी शादी होती थी घर में 4 दिन 6 दिन 7 दिन ढोलक घर में बजा करती थी, मतलब हम पॉजिटिविटी को क्रिएट किया करते थे घर में। पूजा पाठ में हम शंख बजाया करते थे, सत्यनारायण की हमारे घरों में कथा हुआ करती थी, और जाने कौन कौन सी हम कथा हवन पूजा पाठ किया करते थे। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम भूल गए, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को उतना पसंद ही नहीं करते। शायद हम अपनी संस्कृति को पिछड़ी हुई संस्कृति समझ रहे थे, जबकि हमारी संस्कृति में वो सारी चीज़ें थीं और आज भी हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को अपनाएं और उन सारी चीज़ों को अपनाने लगे, फिर से अपनाने लगे, तो शायद फिर से ये महामारी का दौर दोबारा हमको सामना ना करना पड़े। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो सोचिए इस बारे में, और ये ना सोचिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति अकेला होता है, उस तरफ बढ़िए। आज से 10 साल 20 साल पहले का जीवन देखिए, अपना बचपन देखिए कि हमारे समय में क्या हुआ करता था, हम लोग कैसे किया करते थे, अपना जीवन हम लोग कैसे जिया करते थे। उसी तरह का जीवन फिर से अगर लौट आए तो शायद ऐसी महामारी हमको फिर से सामना ना करना पड़े। आज आप जहां भी जाएं, दूर दूर तक पेड़ आपको कटे हुए मिलेंगे, दिखेंगी तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। पहाड़ों पे आप जाओ, एक इमेज हमारे मन में बनी है कि हरियाली होगी, हरा भरा होगा, लेकिन अगर वास्तविक रूप से आप पहाड़ों पर जाकर देखें तो दूर दूर तक पहाड़ों पर भी आपको घर बने हुए दिखेंगे आपको घर बने हुए दिखेंगे, लोग रहते हुए दिखेंगे, पेड़ों को कटते हुए आप देखेंगे। तो नेचर के साथ जो हमने किया, तो आज नेचर, मदर अर्थ खुद को, अपने आप को हील कर रही है। शायद यही उनका तरीका है हील करने का, हमको सबको घरों में बिठाकर। नदियों को आप देखिए, आज नदियां साफ होने लगी, क्योंकि हम उसमें गंदगी करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम चार चार गाड़ियां लेकर घर से बाहर रोडों पर नहीं दौड़ा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा पैदल भी चलते थे, हम मॉर्निंग वॉक करते थे, इवनिंग वॉक करते थे, छोटे मोटे काम तो ऐसी पैदल और साइकिलों से कर लिया करते थे। वो दौर शायद खत्म हो गया। अगर ऐसी बीमारियों तकलीफों से बचना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति में फिर से लौट आइए, उन दिनों को याद करिए जब दिन कैसे थे, टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। आज हम बिना एसी के नहीं रह पाते हैं, पर आज से 20 साल 25 साल पहले के दिन को याद करिए, इतना हमको ना गर्मी का सामना करना पड़ता था, ना मौसम में इतना फ्लक्चुएशन होता था, खुली ताजगी हवा थी, हवा में ताजगी होती थी और जीवन ही कुछ और था। तो साथियों, एक बार इस बारे में सोचिए और हो सके तो उस जीवन की ओर लौटने का एक प्रयास ज़रूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अगर मेरा वीडियो सुन के किसी के भी मन में ये वास्तव में ख्याल आता है कि हाँ, हमने प्रकृति के साथ गलत किया और वो अपना जीवन बदलने का संकल्प लेता है, तो मेरा वीडियो सार्थक है। सभी लोग अपने मन में संकल्प लीजिए कि ना हम रोड पे गंदगी फैलाएंगे, ना हम नदियों को गंदा करेंगे, जहां तक हो सकेगा हम थोड़ा बहुत पैदल भी चलेंगे, गाड़ियों से ना पॉल्यूशन करेंगे, ना पेट्रोल डीजल की उतनी खपत करेंगे। हर चीज हमको सोच के चलना है, अदरवाइज नेचर, ये तो एक आगाज है। आज जो हम महामारी को झेल रहे हैं ये सिर्फ एक आगाज है, अंत नहीं है। अगर हम आज भी नहीं जाके तो पता नहीं इससे आगे हमको और क्या क्या दिनों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आज ही जागिए और अपनी संस्कृति पे, भारतीय संस्कृति पे फख्र महसूस करिए और उसको अपना कर चलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।